पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक सेंटेंस लिखा है, हसीब इज अ टॉल बॉय, क्या लिखा है? और टॉल के नीचे देखा हमने अंडरलाइन है, टॉल के नीचे लाइन है, तो इसमें चार ऑप्शन दे दिए और कह रहे हैं इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है कि जो टॉल है ये वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है कि नाउन है? ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव माने होता है विशेषण, संज्ञा की विशेषता बताने वाला, है ना, उसे विशेषण कहते हैं। समझ मेरी बात? उर्दू में इसे सिफत कहते हैं, है ना, इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। तो देखो ये नाउन है, ये नाउन है ना, बॉय माने लड़का, तो नाउन की जो क्वालिटी बता रहा है क्या है? एडजेक्टिव, है ना। ये विशेषण है, ये विशेष्य है, जिसकी क्वालिटी बताई जाती है वो विशेष्य होता है, ये भी पता होना चाहिए। ये विशेषण है तो ये नाउन है, ये एडजेक्टिव, हमसे पूछा एडजेक्टिव, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? बी वाला। क्लियर है? अब मान लिए इसमें टॉल के नीचे अंडरलाइन नहीं होती, बॉय में अंडरलाइन होती, तो कौन सा ऑप्शन टिक लगाते? नाउन वाला। अच्छा इसमें जो है मान लिए हसीब में अंडरलाइन होती तो कौन सा ऑप्शन टिक लगाते? तब भी ये नाउन, किसी का नाम होगा वो नाउन होगा। अब मान लिए इसमें अंडरलाइन होती तो कौन सा ऑप्शन टिक लगाते? वर्ब। ठीक है, क्लियर हो गई बात? इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि सब पता होना चाहिए वर्ब क्या होते हैं, एडवर्ब क्या होते हैं, और एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, ये सब क्या होते हैं। अगर यहाँ लिखा होता ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, वो क्रिकेट खेल रहा है, और चार ऑप्शन होते हैं, पहला है नाउन, दूसरा ऑप्शन होता है प्रोनाउन, तीसरा होता वर्ब, चौथा होता एडजेक्टिव मान लिए। ठीक है, तो इसमें ही इज प्लेइंग क्रिकेट में मान लो ही के नीचे अंडरलाइन होता तो क्या होता? ही क्या है? नाउन है सर, ही जो होता है वो प्रोनाउन होता है। क्या होता है? प्रोनाउन। ये याद रखिएगा, कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं? ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू, ये सब याद रख लो। प्रोनाउन कौन कौन से होंगे? सबसे आसान यही है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, वो, ये, मैं, तुम, हम, उसका, है ना, उसका क्या, ये सब होते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, उर्दू में ज़मीर कहते हैं, इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, जो इस्म की जगह पर बोला जाए, जो नाउन की जगह पर बोला जाए वो प्रोनाउन है। बहुत से लोग पर नाउन कहते हैं, प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो ही जो है हमारा प्रोनाउन होगा। अब इसमें वर्ब क्या है? अब मान लो इज प्लेइंग पूरा होता, पूछा था इज प्लेइंग क्या है, तो ये वर्ब है हमारा। इज प्लेइंग क्या हो गया? वर्ब। एडजेक्टिव इसमें है ही नहीं। नाउन जो है अगर पूछा जाता है, क्रिकेट हमारा नाउन है, किसी भी चीज़ का नाम नाउन होता है। अच्छा एडवर्ब की क्वालिटी ज़्यादातर ये, जैसे स्लोली अगर कोई वर्ड लिखा हो उसके लास्ट में एलवाई लगा हो तो वो एडवर्ब होता है, बहुत ज़्यादा चांसेस एडवर्ब मैनर, है ना। टुडे, टुमारो, टुनाइट, ये भी एडवर्ब होता है। अगर टुडे, टुमारो लिखा है अंडरलाइन है तो ये अंडरलाइन है, समझ जाओ वो एडवर्ब है, क्योंकि टुडे, टुमारो एडवर्ब ऑफ टाइम है। इनसाइड, आउटसाइड, अप, डाउन, ये सारी चीज़ें एडवर्ब भी हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं। ठीक है, ऑफन, है ना, इस तरह की चीज़ें एडवर्ब, वो भी एडवर्ब होती हैं, फ्रीक्वेंसी बताती हैं। ठीक है, तो ये समझना होगा, बहुत आसान नहीं आएगा, लेकिन इससे बेस तुम्हारा मजबूत हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो।